नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी। मैं आपका मित्र आचार्य नारायण चंडीगढ़ से। मित्रों, बात कर रहे हैं आज दक्षिण दिशा के मकान के ऊपर। साउथ फेसिंग होम को, साउथ फेसिंग इंडस्ट्री को लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। आप यकीन मानिए, 15-20% सस्ता भी मिलता है प्लॉट, फिर भी लोग कहते हैं कि जी साउथ फेसिंग नहीं 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 चाहिए। साउथ फेसिंग में कुछ पॉइंट है, अगर वो पॉइंट अगर आप ध्यान में रख लें तो साउथ फेसिंग मकान इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा, कोई वहम नहीं होगा। अब जो मांगलिक व्यक्ति है, अब साउथ फेसिंग जनरली मांगलिक व्यक्तियों को थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब करता है। अब साउथ फेसिंग वाले मकान में, क्योंकि मंगल जो जिस व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक योग है, वो मंगल पहले तेज है, मंगल में पहले अग्नि तेज है, भाई साउथ फेसिंग वाले मकान में वो रहेगा तो गुस्सा ज्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन ज्यादा रहेगा, और क्या। तो इसका सिंपल सा रेमेडी है, मंगलिक व्यक्ति अगर आप हैं या साउथ फेसिंग मकान में आपको कुछ परेशानी आ रही है, तो आप अपना वाटर जोन के अंदर चले जाइए, वाटर एलिमेंट में नॉर्थ में चले जाइए, नॉर्थ वेस्ट में अपना बेडरूम रख लीजिए, कोई बात नहीं है बिल्कुल। आप अपने घर के अंदर साउथ फेसिंग प्लांट अगर आपका है, साउथ फेसिंग घर अगर आपका है, तो साउथ फेसिंग में आपने क्या करना है, बुध को स्थापित कर दीजिए, मतलब हरे प्लांट ही प्लांट लगा दीजिए। अब ग्रीन प्लांट बहुत सारे लगा देंगे तो एनर्जी लेवल वहां का पॉजिटिव हो जाएगा, तो साउथ फेसिंग का दोष खत्म हो जाएगा। एक बार। दूसरी बात, साउथ फेसिंग लक्ष्मी के लिए, धन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, साउथ और साउथ ईस्ट सबसे फेवरेट दिशा है माता लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी अगर आप चाहते हैं तो आप साउथ फेसिंग मकान लीजिए, कोई परेशानी नहीं। हां, अगर आप इसको परफेक्ट चाहते हैं कि साउथ फेसिंग मकान हो, उसमें जो गेट की एंट्री है वो एक पर्टिकुलर जोन है, अगर उस जोन में आ जाए तो 100,000 टाइम आपको ये मकान बेनिफिट देगा ही देगा, दुनिया की कोई ताकत उसके अंदर बुरा नहीं कर सकती। दूसरी बात, साउथ फेसिंग मकान में रहने वालों में थोड़ी सी गर्मी तत्व, अग्नि तत्व ज्यादा पाया जाता है, तो घर के अंदर थोड़े ब्लू कलर, नॉर्थ के अंदर आपने ब्लू कलर ज्यादा कर देना है, ग्रीन टच आपने ईस्ट वॉल पे ग्रीन टच ज्यादा दे देना है, और साउथ वॉल के ऊपर थोड़े हरे रंग के पेड़ पौधे, ग्रीनरी, डार्क वाले जो पेड़ है, जैसे क्रिसमस ट्री है, बैम्बू प्लांट है, ये साउथ में लगा दीजिए, तो बिल्कुल आपके घर पॉजिटिव एनवायरमेंट से भर जाएगा। जो आप 15-20% प्लाट सस्ता खरीदेंगे, उस पैसे को घर के अंदर पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करने में, अच्छी क्वालिटी का बनाइए, अच्छा बढ़िया ओरिजिनल वुडन लगाइए घर में, अच्छी क्वालिटी के कलर कीजिए, अच्छी क्वालिटी के नेचुरल पत्थर लगाइए, देखिए घर का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, तो साउथ फेसिंग मकान आपको 100% बेनिफिट देगा। यही साउथ फेसिंग अगर इंडस्ट्री हो, क्या बात है, साउथ फेसिंग इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से कहीं ज्यादा रिजल्ट दे सकती है, बशर्ते उसका मेन एंट्रेंस राइट प्लेस पे आप बना लें। इसलिए मित्रों, साउथ फेसिंग मकान के अंदर बिल्कुल चिंता ना करें, कोई नेगेटिव थॉट्स दिमाग में बिल्कुल ना लेकर के आए। साउथ फेसिंग घर अगर है तो पितरों की पूजा ज्यादा करनी चाहिए और विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा ज्यादा करनी चाहिए। विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा का घर में एक चित्र लगाइए, और बड़े बुजुर्ग जो जा चुके हैं इस संसार से, उनके चित्र भी साउथ वॉल के ऊपर लगा करके उनकी पूजा कीजिए। साउथ फेसिंग इंडस्ट्री और साउथ फेसिंग घर आपको बहुत ज्यादा धन का लाभ देंगे। आज्ञा दीजिए नारायण आचार्य जी को, कल फिर मिलते हैं दोस्तों किसी एक नए विषय के साथ। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।